खेलते हैं, सारी चीजें होती रहती है, और जब अचानक से आपको ये न्यूज मिलती है, हार्ट में दिल में छेद है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पी रहे हैं चाय और मैं भी जा रही हूँ, मेरी भी रखी है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट से हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठकर चाय पी रहे हैं क्योंकि आज है सैटरडे और काफ़ी फुर्सत में भी है, साथ ही साथ बहुत ही प्यारा मौसम है। और आप व्यू देख रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है जब आप पेड़ों के नीचे और मौसम ऐसा हो तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ होता है। तो इन्होंने बोला कि छोटी छोटी डालियाँ इनकी जो निकली हैं उसे कटवा देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी गर्मी है तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इनकी छाँव हम पर पड़ती है, जब ठंडी आएगी जब कटवा देना, जब धूप ज़रूरी होती है। हम लोग बाहर बैठे थे, हम लोगों को छोड़ के चले आए। इतनी तेज न्यूज लगा, आवाज धीमी करो, आ रही हूं मैं। हम लोग बाहर बैठे थे, तुम हम लोग को छोड़ के भाग आए और ये आराम फरमा रहे हैं, आके आराम फरमा रहे हो। दो दिन छुट्टी। तो देखो कौन आया, कौन आया? लुंगी डांस। हाँ बाबू कौन है? तो कहा कर रहा है चाचा, कहाँ जाओगी उसको बाथरूम में बंद कर दिए हो? कहा बाबू बाथरूम में बंद करके आए हो? हम कहाँ बंद करे? कौन बंद किया? बाथरूम में बंद करके चले आए उसको, बाथरूम में बंद थी बाहर से, अंदर ही बाथरूम के अंदर बैठी है। तो हम कहाँ बंद किए हैं? हम इतनी कस के दरवाजा बंद ही नहीं कर पाते, बाबू है ये वाला दरवाजा एकदम चिपका के हम बंद कर पाते हैं, तो बाथरूम में बंद करके चले आए। तो गाइस अभी ये देखिए धूप में मैंने रखे हुए क्या, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत तेजी की आज धूप निकली है। ये पापड़ रखे हुए थे, ये देखिए, तो मैंने इन सबको और थोड़ा सा इधर रख दूँ, धूप में रख दी हूँ। कल ये चाउमीन लाए थे, तो ये सारी चीज़ें धूप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रखना। अगर आप मार्केट से कुछ भी लाते हो ना तो उसको धूप में आप ज़रूर रखो। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पैकेट रख दिए क्योंकि बाबू खाती है और उन्हें तो हम भूल नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने धूप में रख दी हैं। और कपड़े पलट देते हैं एक बार, आओ जल्दी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से आप लोगों से, ठीक है? अभी मैंने काम वाम भी नहीं किया, करूँगी अभी कर लूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है? Girls wind up on the dance floor.
यहाँ पे लगभग बज रहे हैं 2:30 ऐसे, और मैं आ गई ये जो दाल है इनको पछोड़ने के लिए, पछोड़ना ही मैं बोलती हूँ तो मुझे आता नहीं है, तो आंटी जी बता रही थी इसको उठाकर पछोड़ो वरना वो गिर जाएगा, और इसमें थोड़े बहुत घुन पड़ गए थे तो मैंने कहा जो चावल आटे सब में पड़ जाएंगे, और पता नहीं कि आजकल घुन पड़ ही जा रहे हैं, परेशान से हो गए हैं हम, तो वही मैं कर रही थी, फटक रही थी, फटकना भी बोलते हैं, फिर मैंने कहा लगे हाथ इनको क्या करती हूँ, मैं बिन भी लेती हूँ, जो थोड़े बहुत होंगे वो निकल जाएंगे क्योंकि मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। मम्मी लोग होती हैं तो इतनी अच्छे से करती हैं कि उसमें एक भी आप नहीं, आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझसे तो बनता ही नहीं है, तो वो मिलना तो है ही है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं हमारे किचन में, और ये खाना पीना खा चुके हैं, जब ही मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने 2 कटोरे भरकर पानी लिए और 2 चम्मच मैंने रिफाइंड डाला हुआ है, इसलिए ताकि जब आप चाउमीन डालो ना इसमें तो ये चिपके ना, और जो दाल थी ना मेरी मैंने कहा लगे हाथ मैं इनको डब्बे में रख देती हूँ, अगर आप सोचोगे बाद में करेंगे तो वो काम इकट्ठे होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब आप लगे हाथ कर लेते हो तो काम भी आपका निपटा रहता है और आपको आसानी भी रहती है। तो इसके बाद जब ये पानी गुनगुना हो रहा था मैं रोने लगी, इसलिए रो रही बता रही हूँ क्योंकि मेरे आँखों में पानी आ गया था। प्याज मैं काटती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है, हद से ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर मैंने ली है 1.5 पैकेट चाउमीन, जो 12 रुपये की चाउमीन मिलती है ना वही मैंने ली है, तो 1.5 पैकेट ली है, आधी मैंने इसमें से बचा दी है, और इसको हम चलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगेगा इस तरीके से तो समझ लीजिए आपकी चाउमीन जो है वो अच्छे से पक चुकी है। और आपके पास जो छलनी होती है ना स्टील वाली, अगर वो है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, और तो मैं कुछ जुगाड़ लगा ली, जो मेरा तसला जिसमें मैं बर्तन लाती हूँ इसी में मैं डालूँगी और ठंडे पानी से धुल लूँगी, क्योंकि क्या होता है जब आप ठंडे पानी से धुल लेते हो ना तो आपकी जो चाउमीन होती है वो कभी भी एक में चिपकती नहीं है, अगर आप ठंडे पानी से नहीं धुलोगे ऐसी रख दोगे ना वो आपस में चिपक जाएंगी, और अच्छे से जब आप मिलाओगे तो वो मिक्स भी नहीं होंगी, गंदी भी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में गई, अच्छे से धुल लाई हूँ ठंडे पानी से, और इसको मैं साइड में रख दूँगी एक साइड, जब तक मैं अपना ये जो मसाला होता है ना चाउमीन वाला वो बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि इन्हें सरसों का तेल नहीं पसंद है इसी वजह से, और जब आपका सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद आप प्याज डालो, और चाउमीन में वैसे कोई भी टमाटर नहीं डालता लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि इनको टमाटर पसंद ही है इस वजह से, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए, फिर भी ये बोल रहे थे टमाटर नहीं डाली हो क्या, तो 2 टमाटर लिए, और इसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे, जब ये पक जाएगा ना तो उसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल देंगे, और शिमला मिर्च को थोड़ा सा ही पकाएंगे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं चाउमीन मसाला डाल रही हूँ 5 रुपये वाला 1 पैकेट, और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो हमारी चाउमीन थी उनको मिला लूँगी, और लगे हाँ सोया सॉस थोड़ा सा डालूँगी, फिर टमाटर सॉस, ठीक है, इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखिए सोया सॉस मैंने डाल दिया, टमाटर सॉस, इसको अच्छे से चला कर फटाफट से हम अपनी चाउमीन जो है वो रेडी कर लेंगे, और इनको बस मिक्स करना और थोड़ी देर के बाद उतार लेना है इस तरीके से, ये देखिए अच्छे से ही मिक्स करना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए फटाफट से हमने चाउमीन निकाल ली है, और ये है हमारी, और ये है बाबू की, मन्नी ले गई अपने खाने के लिए, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए ये है, और बाबू की, ये मेरी है, और ये क्या कर रहे हो तुम? चाउमीन खाने के लिए बैठ गए, मुझे बोला खाना खा लिए तो चाउमीन बना रही हो, मैंने कहा खाना खा लियो तभी तो चाउमीन खाओगे, वरना चाउमीन खा लेते तो खाना ना खाते। बाबू को क्या है, वो बाबू का सादा है ना, बाबू क्या डाले तुम्हारे में? छाछ। मन्नी उधर बैठ कर खा रही, चलिए अब हम लोग फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। सही नहीं कर पाएंगे, पहले वहाँ से लगा लो, वहाँ से लगा लो,
बाबू मम्मा नोना मम्मी पापा सब लटक जाएंगे। अच्छा उधर तो बाबू मच्छर काट रहा है। सारा दिन काम करो, आराम कब करो? सारा दिन तो काम करो। मम्मा बहुत तो गाइज जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है। टाइटल पढ़कर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि बात क्या है, और बात वाकई में परेशानी वाली है। जिस टाइम मुझे ये बात पता चली तो समझ लो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खसक गई। मतलब कि हंसते खेलते सारी चीज़ें होती रही थी, और जब अचानक से आपको ये न्यूज़ मिलती है कि ऐसा कुछ है तो एकदम से सदमा लग जाता। और जिसके साथ ये होता है उससे पूछो उसके दिल पे क्या होता है ना। कि आपने देखा कि हम लोग अच्छे खासे हंसते खेलते आज हम लोग का टाइम जा रहा था, फिर अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, वो भी उनका फ़ोन आया। फिर नॉर्मली उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं उनसे अपनी पर्सनल सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने उनको शेयर की, छोटी सी छोटी बातें शेयर करती, बहुत ही अच्छी हैं वो, दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ है और बहुत ही अच्छी वाकई में। तो उन्होंने, उनकी तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही थी, मुझे उन्होंने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बता दिया जो कि कुछ उनको था नहीं। फिर जब दूसरे के पास वो टेस्ट करवाने गए तो भी वहाँ पर कुछ भी, मतलब नॉर्मली उसने दूसरी चीज़ें बता दी, इन्फेक्शन वगैरह बता दिया। फिर जब अब वो दोबारा दिखाई है तिबारा से, मतलब तिबारा हो गया उनका, तिबारा जब उनको दिखाया गया तो उनको पता चला कि उनके हार्ट में, दिल में छेद है। और आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा बीमारी है। मतलब कि ये कोई इंसान सपने भी नहीं इन सब चीज़ों को सोच सकता है कि हमारे, मतलब मेरे साथ ऐसा हो या किसी के साथ भी ऐसा हो। अगर हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ अगले बंदे को ये चीज़ें हो। लेकिन मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार हम लोग क्या कर सकते, मतलब जिस समय मैंने भी सुना तो मुझे एकदम से अंदर से पता नहीं कैसे होने लगा, परेशान हो गई मैं। फिर मैंने इनको बताया तो ये बोले कि क्या कर सकते हम लोग। तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार और सपोर्ट दिए हैं, तो वो प्लीज़ उनको भी जाइए प्यार और सपोर्ट दीजिए। उनका नाम है संध्या, और उनका, उनकी जो लिंक है ना, चैनल की लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उन्होंने ये, मतलब कि वो लाइव आती थी रोज़ नाइट में लाइव आती थी, तो उनसे उनके जो फ्रेंड थे, कुछ खास अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि दी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो यार, आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। फिर उन्होंने वीडियो में बताया, लेकिन अगर कोई होता तो वो टाइटल इस तरीके से लिख देता कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और इसलिए मैं लाइव नहीं आ। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया नॉर्मल तरीके से ब्लॉगिंग की, फिर लास्ट में उन्होंने बता दिया। और इतनी ज़्यादा, मतलब होता है ना, बहुत से लोग इस बात को वो कर देते हैं कि हाँ देखो यार ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी वो नहीं करे। और प्लीज़ आप लोग ये मत कीजिएगा कि वो व्यूज़ पाने के लिए या हम व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत सोचिएगा। उनकी लड़की के साथ ऐसा इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता कि हाँ मैं झूठ बोलूँ या व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ करूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ उनको इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर कहाँ पहुँच गए, वो किसकी वजह से पहुँचे, आपकी वजह से पहुँचे। और इस वक्त आपको पता है कि ये जो बीमारी है इसमें कितना ज़्यादा महंगा इलाज होता है, साथ ही साथ ये शायद दवा से तो ठीक होता नहीं, ऑपरेशन ही होता है। और आप सबके प्यार और सपोर्ट की उनको बहुत ही ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाइए उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। वो नॉर्मली, मैंने उनसे बोला नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट कीजिए। उनके उतने सब्सक्राइबर नहीं है, 1K के ऊपर हैं, 1500 के लगभग हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी हैं। जितने यूट्यूबर्स हैं ना सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो जिससे मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है ना कि वो बहुत ही अच्छी हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए यार, ये सुनकर ना कि दिल में छेद है ना, तो इंसान की रूह कांप जाती है। और वो सोचिए उनकी एक बेटी है, फैमिली है, हस्बैंड है, सब हैं, और साथ साथ उनकी नहीं है, पापा जी हैं और अच्छी खासी उनकी फैमिली है, तो इस समय उन पर क्या बीत रही होगी, वो अंदर ही अंदर घुट रही होंगी, किससे कहें अपना दर्द।
तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, है ना। प्लीज़ आप लोग उनको प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, जितना प्यार आप मुझे किए हैं, जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया है उन्हें भी दीजिएगा। उनके चैनल का नाम है मल्टी इंदौर इन्फॉर्मेशन चैनल का नाम है, मैं नीचे लिख दूँगी, साथ ही साथ मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, और प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत कहिएगा जिसकी वजह से उनको हर्ट हो, तो वो बहुत ही अच्छी हैं यार, सच में बहुत ही अच्छी हैं। तो प्लीज़, और मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको पहले से जानती हूँ या मेरी पर्सनल कुछ ऐसी जान पहचान हो, नहीं, यूट्यूब के थ्रू ही मेरी थोड़ी बहुत सी बात होने लगी थी, लेकिन जब वो मैंने देखा कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो फिर उन्होंने हमसे नंबर मांगा, मेरे से नंबर मांगा, फिर मैंने उनको नंबर दिया, फिर मेरी अच्छी खासी उससे बात होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। और इतने दिन से मतलब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किया। कल भी जब वो फ़ोन की तो मैंने अपना बताना स्टार्ट कर दिया, अपनी सारी दुख तकलीफ मैं उनको बताने लगी, लेकिन वो एक बार भी नहीं, मतलब उनके चेहरे पे या फेस पे सिकंज आई कि हाँ ऐसा, वो नॉर्मली मुझसे बात करी कि मेरा हाल चाल ली, तो बोला कि आप अपना बताओ, मैंने तो आपको बता दिया, आप अपना बताओ। फिर जब उन्होंने ये बातें रखी ना, तो मुझे एकदम से अंदर से पता नहीं, जिससे लग रहा था कि मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। जब ये बात उनको बताई होगी तो उनके ऊपर क्या बीती होगी यार, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ आप लोगों से विनती है, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो चलिए ब्लॉग पॉइंट यहीं करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार जाइएगा और चैनल को ज़रूर चेक करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।